कल मुझे मेरे भाई की अस्थियां हासिल हुई और वो नकली सूर्य मेरे हवाले रख दिया गया, तो आज का सूर्योदय जूनागढ़ का आखिरी सूर्योदय होगा। आओ देवा आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे हर उस वारदात से वाकिफ करो जिसे मुकम्मल करने के मकसद से मैंने तुम्हें चुनारगढ़ भेजा था। चुटकियों में तुम्हारी खामोशी की जंजीरों में मेरे सब्र को कैद रहना मंजूर नहीं। ब्यौरा दो। हाँ, तुम्हारे इरादों की योजना को मंजिल तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। ब्यौरा दो देवा, मेरे सब्र को इंतजार मंजूर नहीं। घसीटा राम के अंतिम संस्कार पे ऐन वक्त पर पहुंचना बहुत कारगर साबित हुआ। का सबब मैं घसीटा का बड़ा भाई सूर्य हूँ। घसीटा राम के ऐन दाह संस्कार के वक्त तुम पहुँचे, यही वजह है कि महाराज ने तुम्हें सूर्य मंजूर किया। और महाराज का भरपूर विश्वास जीतने के लिए मैंने दूसरा कदम भी उठाया। कौन सा कदम? इत्तेफाक से मुझे उसका मौका भी मिल गया। वो इस तरह मौका तो बहुत संगीन और खतरनाक था, लेकिन तुमने अपनी बहादुरी और अक्ल का बेशक सही इस्तेमाल किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तारीफ के लिए शुक्रिया। तो तुमने सबका विश्वास तो जीत लिया देवा, लेकिन हासिल क्या करके आए बताओ मुझे? हासिल? सबसे पहले खुशखबरी तो ये है कि मैंने अपनी योजना के मुताबिक शनि और सुल्ताना को चुनारगढ़ से निकालकर आजाद कर दिया है। बेशक ये कारनामा बेशकीमती है, इसके अलावा क्या किया तुमने? मैंने अपने सम्मोहन विद्या की बेशकीमती तरकीब से शनि के द्वारा उसके तीनों भागीदारों के नाम भी उगलवा लिए हैं। कौन कौन से तीन नाम? वो तीन नाम हैं तारा, वाह, असगर, शाबाश, शाबाश, और सुल्ताना। मरहबा, लेकिन तुम्हारे मुताबिक तो सुल्ताना शनि के साथ चुनारगढ़ से निकल चुकी है। हाँ, अपनी योजना के मुताबिक मुझे शनि और सुल्ताना को तो निकालना ही था, और अब महाराज की शक की सुई पूरी तरह असगर और तारा की तरफ घूम चुकी है। शक की सुई घूम चुकने के बावजूद महाराज ने किसी को सजा नहीं दी? सजा दी? महाराज के गुस्से के सैलाब का शिकार हुई तारा। इस नहीं में आज मुझे उस खौफ की चीख सुनाई दी है जो इससे पहले इसके मुंह से कभी नहीं निकली। तारा, तुम्हारी चीख से मेरी आत्मा को शांति भी मिली है,
और मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है। तरस? मेरे लिए तुम्हारे इस तरस की कोई जरूरत नहीं। अपने इस तरस को तुम अपने लिए सुरक्षित रखो। सुरक्षा की जरूरत तो तुम्हें है तारा। तुम्हारे कुकर्म और तुम्हारे पाप तुम्हें दंड देने के लिए तैयार खड़े हैं। और तारा, अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम अजगर और सुल्ताना का पता हमारे हवाले कर दो। तारा से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल तो हम करके रहेंगे तारा, क्योंकि महाराज के हुक्म के मुताबिक हमें उन दोनों को गिरफ्तार करना है। तो जाओ कर लो गिरफ्तार। तारा इतनी नादा नहीं कि अपने राज तुम दुश्मनों के हवाले कर देगी। तारा, क्या तुम्हें महाराज के हुक्म का खौफ नहीं? महाराज का हुक्म तो अब भी मेरे हक में पलट सकता है, क्योंकि महाराज मेरी मुट्ठी में है। तारा, वफादारी के ठेकेदारों, तीन उंगलियों को देखो। तीन उंगलियों पे महाराज को मैं अब भी नचा सकती हूँ। भगवान, महाराज के कुफर का खौफ खा। खौफ तारा नहीं खाती, खौफ तो तुम दोनों खाते हो, पंडित जगन्नाथ और पन्नल लाल। खौफ तो तुम दोनों की पैदाइशी विरासत है। पन्ना, इस नागिन के मुंह लगना अपनी तौहीन करना है। आओ। सूर्योदय होने वाला है पन्ना जी। तारा, सुल्तान अजगर और क्रूर सिंह की समस्या तो बरकरार है ही, उससे बड़ी चिंता की बात यह हो गई है कि शनि को गिरफ्तार करके अभी तक सूर्य नहीं लौटा। जी पंडित जी, लेकिन अगर वो लौट भी आया तो आपको क्या लगता है कि महाराज उसके साथ कैसा सलूक करेंगे? महाराज अपने सूर्य को उस नए गुस्ताख छोड़े के हवाले कभी नहीं करेंगे जिसने महाराज के बाहुबल और चुनारगढ़ की सत्ता को ललकारा है। लेकिन पंडित जी, अपना सूर्य भी बहरूपिया हो सकता है। सवाल अपने और नए सूर्य का नहीं है पन्ना, सवाल है महाराज शिवदत्त जैसे यशस्वी योद्धा की अवज्ञा करना। महाराज निश्चय ही उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब तो सूर्यास्त भी हो चुका, लेकिन सूर्य नाम का वो सरकश घमंडी अब तक मैदान में नहीं उतरा। आपके यश और पराक्रम का सामना करने की जरूरत कौन कर सकता महाराज? वो महाराज की ताकत से भयग्रस्त हो गया है, अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। उस घमंडी को अपनी औकात का एहसास हो गया है महाराज, अब वो नहीं आएगा महाराज। शिवदत्त के तूफानी तेज का मुकाबला एक पवनडरी कर सकता है, सूर्य नाम का गीदड़ नहीं। शिवदत्त का हुक्म है कि फौज चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो। के साथ को याद ही रहा है महाराज? वो सूर्य ही होगा महाराज, वो अपनी मौत को अपने साथ ला रहा है। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। तूफान के साथ को याद रहा है महाराज? वो सूर्य ही होगा महाराज, वो अपनी मौत को अपने साथ ला रहा है। शिवदत्त का हुक्म है कि फौज में से कोई भी एक तरफा हमला नहीं करेगा।
महाराज के चरणों में सूर्य का प्रणाम। ताज्जुब, यह शख्स शर्तें पेश करता है, समय मुकर्रर करता है, मुकाबले की चुनौती देता है और साथ ही शिवदत्त की अकीदत में प्रणाम पेश करता है। महाराज, सूर्य नामी ग्रामी अय्यार है, इसकी चालबाजियों को न समझना खतरनाक भी साबित हो सकता है। महाराज, पंडित जी ठीक कह रहे हैं, इसके इरादे खतरनाक ही नहीं नापाक भी हो सकते हैं। महाराज, सूर्य के इरादे नापाक नहीं है, इसलिए सूर्य ने आपकी अर्दम में अपनी अकीदत पेश की है। महाराज, मुझे अपने भाई की अस्थियां सौंप दी जाए और वो बहरूपे सूर्य वो भी सौंप दिया जाए, यही दो मेरी मांगे हैं। सूर्य खून खराबा करने की कोई नीयत और इरादा नहीं रखता। शिवदत्त को यह मांग पेश करने का यह तर्क और तोड़ ना ही गवारा है और ना ही मंजूर है। तुमने खुद ही शिवदत्त की अदावत को दावत दी है, अब यह मुकाबला शिवदत्त की तूफानी ताकत और तुम्हारे बीच होके रहेगी और इसका फैसला शिद्दत की ताकत तुम्हारी मौत से करेगी। महाराज, आप मुझे मौत से कम कुछ देंगे ही नहीं और मौत से ज्यादा कुछ दे ही नहीं सकते। पन्नालाल जी महाराज, इसके भाई खजीता राम की अस्थियों का कलश केंद्र में रख दिया जाए। जो हुक्म आपका। तुम्हारे भाई की अस्थियों का कलश, तुम्हारी बाजुओं में ताकत है तो जीत लो इसे शिवदत्त से। महाराज, मैं अपने भाई के पिता की राख का कुदरती वारिस और हकदार हूं और अगर सवाल इसे जीतने का है तो मैं इसे जीत के ही रहूंगा। बरकत खान, हिम्मत सिंह, महाराज मुकाबले के लिए हथियार दिए जाएं। जी हुजूर। योग्य हिम्मत सिंह। जी महाराज। उसके सपुर्द एक तोप कर दी जाए। बहुत अच्छा महाराज, तो पिधर मौजूद है, तुम्हारे हवाले एक तो कर दी गई है। सौ की अस्थियों को जीतने के लिए तुम्हें बराबरी का मौका हासिल हो। जय भैरव नाथ।
लगता है कि सूर्य जिंदा नहीं बचेगा। बड़ा घातक हमला किया सूर्य ने। महाराज की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता सूर्य। सूर्य बेमौत मारा जाएगा। जीत सकता है तो जीत ले अस्थियां।